बड़ी खबर जो मिल रही है वो दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जांच पूरी कर ली गई है इस हादसे की वजह का पता चल चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया ये बहुत बड़ा बयान है। सवाल बहुत सारे थे कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। सेफ्टी कमिश्नर जल्द रिपोर्ट देने वाले हैं और रिपोर्ट मिलते ही फिर जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का, ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है। इस पूरे हादसे के पीछे का कारण क्या था, जांच कर ली गई है। अमिताभ सिन्हा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, जांच यहां पर पूरी कर ली गई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, कार्रवाई भी फिर हो जाएगी। देखिए, कल दुर्घटना के जब प्रधानमंत्री के साथ जो ब्रीफिंग हुई थी अधिकारियों की, उनको भी कई चीजें बताई गई थी और देर शाम हमें भी सरकारी सूत्रों ने दो तीन बातें एक साफ कर दी थी। वो पहली बात ये थी कि ट्रेनें आपस में नहीं टकराई थी, एक ट्रेन लूप लाइन में खड़ी थी, दूसरी ट्रेन और कोरोमंडल एक्सप्रेस यशवंतपुर एक्सप्रेस क्रॉस कर रही थी और एक दूसरे को, उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उनके डिब्बे उखड़ गए और कुछ उसके डब्बे जो लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी थी उसपे गिरे थे और कुछ डब्बे यशवंतपुर जा रही यशवंतपुर एक्सप्रेस पे गिरे थे और यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी दो डिब्बों पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे गिरे थे। इसलिए यशवंतपुर एक्सप्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, उनके सिर्फ आखिरी दो डब्बों को नुकसान हुआ था जिसमें गार्ड और एक जनरल बोगी थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए थे। यानी सिर्फ एक ट्रेन पटरी से उतरी थी और दोनों ट्रेनों के ऊपर उसका नुकसान हुआ था, लेकिन ये बात रेलवे ने कल ही साफ कर दी थी कि ऐसा तीनों ट्रेनें आपस में नहीं टकराई थी। अब दूसरी बात जो रेलवे इंक्वायरी कर रही थी, जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे थे, वो था कि कोई मैनुअल एरर तो नहीं था, ये जांचना चाह रही थी इस डिरेलमेंट के पीछे। दूसरा कारण ये हो सकता है सिग्नलिंग की कोई दिक्कत तो नहीं थी, ये भी रेलवे जानना चाह रहा था। तीसरा कारण कि रेलवे के पटरियों में कुछ दिक्कत तो नहीं थी, ये जानना चाह रहा था। मुझे लगता है अगर अश्विनी वैष्णव जी ने अगर ऐलान किया है कि इंक्वायरी पूरी हो गई है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंक्वायरी पूरी करना ये बहुत बड़ी बात बताता है कि रेलवे मंत्री खुद वहां मौजूद है, रेलवे की पूरी टीम, रेलवे के सारे बड़े अधिकारी स्पॉट पे मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता इस काम में कोई दिक्कत आई होगी जो आइडेंटिफाई करने में कि क्या मुश्किलें आई हैं, और इन मुश्किलों को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में रेलवे सेफ्टी के जो बाकी उपाय हैं वो काफी कुछ किए जाएंगे। तो एंटी कोलिजन डिवाइस भी ज्यादातर बड़ी ट्रेनों में लग रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं, सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, तो आगे आने वाले दिनों मुझे लगता है कि पूरी के पूरी रेलवे में सारी ट्रेनों में जो देर रात ट्रेवल करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, उसमें एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की बात जरूर शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इंक्वायरी पूरी हो गई है और ट्रैक रेस्टोरेशन बुधवार तक कर लिया जाएगा, ये बात पे ऐलान कर दिया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत फटाफट काम किया है रेलवे मंत्रालय ने इस बार। ठीक है अमिताभ जी, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर अब तक की ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि